Hello friends, welcome to Code Me Coder. This is Ankur Jaiswal here. So let's get started with our today's video. So इस वीडियो के अंदर हम HTML5 के बेसिक कोड को अगर लिखना चाहते हैं तो उसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं ये देखने वाले हैं. उसके साथ साथ हम कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स को भी देखेंगे और एट्रीब्यूट्स को जो हम HTML एलिमेंट्स के साथ यूज करते हैं उसका बेसिक फॉर्मेट देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद HTML5. सो HTML5 को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली अपने PC पे नोटपैड को ओपन करना है. नोटपैड को आपके PC में प्री इंस्टॉल्ड है और उसको आप सिंपली आप टाइप करोगे तो आ जाएगा. अगर आप विंडोज को यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली उस पर क्लिक करो. उसके बाद ये स्क्रीन खुलने के बाद सबसे पहला चीज़ आता है इसको सेव कैसे करते हैं. तो सेव करने का मेन कंटेंट है फाइल को आप क्लिक करो, सिंपली सेव एज पे जाओ जैसे आप हमेशा करते आए हो वैसा ही करना है. और आपको सिंपली लोकेशन सर्च कर लो. सबसे पहले तो लोकेशन सर्च करो, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगा, यहीं पर डिस्प्ले होगा. अभी तो वो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, वो जैसे मैं सेव करूंगा आएगा. तो यहाँ पर फाइल नेम लिखना है. ओके, इसको ध्यान देना है आपको कि फाइल का नेम कुछ रहना चाहिए इस तरीके से. ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको फाइल का नेम देना है. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा, इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ ट्यूटोरियल. ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो सेव एज टाइप लिखा है. सेव एज टाइप को क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले तो सेव एज टाइप पे यहाँ पर जाना है और ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है. ओके, ऑल फाइल्स में क्लिक करने पर क्या होगा, जो आपका कंटेंट है वो किसी भी फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहोगे सेव होगा. ओके, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपका पहले से नोट पैड है आप उसी को यूज करो. आपको क्या करना है, ट्यूटोरियल यानी कि यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो. उसके बाद आपको लिखना है .html, आपको .html लिखना है, ये आपका फाइल नेम क्रिएट हो जाएगा. और यहाँ पर ये आपका फाइल नेम आ गया. उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एनकोडिंग, ये आपको बेसिकली UTF-8 पहले से मिलेगा. अगर नहीं मिलता है तो आपको UTF-8 करके रखना है. इसको सिंपली सेव कर दो. आप सेव करने के बाद आप देखो यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई और ये गूगल क्रोम का आइकन आ रहा है. मीन्स ये वैसा शो कर रहा है जैसे हमारा यहाँ पर गूगल क्रोम का शॉर्टकट शो कर रहा है. तो ये ऐसा क्यों आया, ये बेसिकली इस वजह से आया क्योंकि हम जो भी HTML का कंटेंट लिखते हैं या फिर यूज करते हैं वो हमारे ब्राउजर पे ओपन होता है. ओके, ब्राउजर पे, दैट्स व्हाई. अब इसके बेसिक एक चीज को देख लेते हैं, इसको लिखते किस फॉर्मेट में है. तो HTML का बेसिक फॉर्मेट जो होता है वो होता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर. तो एंगुलर ब्रैकेट्स कैसे लिखते हैं हम, तो ये होता है कुछ ऐसे. ये आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जाओ तो ये लेस देन है और ये हमारा ग्रेटर देन है. बट आप HTML के अंदर इस पूरे को क्या बोलते हो, ये हमारा पूरा क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट होता है. ओके, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है और इसका यूज ही हमेशा करना है HTML के अंदर. इसके आप क्या लिखोगे, HTML. ये हमारा HTML की स्टार्टिंग HTML से ही होती है. और क्लोजिंग कैसे होती है, तो एंगुलर ब्रैकेट फिर से आप लिखो HTML और सिंपली आपको इसके आगे HTML के आगे क्या लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश. ये होता है फॉर्मेट हमारा. ओके, मैं इसको यहाँ पर नीचे की तरफ लिख देता हूँ और आप इसको साथ साथ नोट करते चलो तो और भी बढ़िया है. तो यहाँ पे आपको लिखना है ओपनिंग के लिए, ओपनिंग कैसे होती है इसकी, तो उसको भी देख लेते हैं. ओपनिंग करनी होती है आपको एंगुलर ब्रैकेट से. ओके, एंगुलर ब्रैकेट इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट. तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट है ये, एंगुलर ब्रैकेट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है इसकी, क्लोजिंग के बारे में. तो क्लोजिंग कैसे करी जाती है हमारे किसी भी टैग की, तो ये हमारा पूरा एक टैग कहलाता है. ओके, ये पूरा टैग है, इसको ओपनिंग टैग कहते हैं, इसको क्लोजिंग टैग कहते हैं. तो क्लोजिंग में क्या होता है, आपको सिंपली फिर से वही चीज लिखनी है. क्लोजिंग करते समय यहाँ पर ऐसे रहेगा और इसमें फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा. ओके, यहाँ पर इस तरीके से होता है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है आपका. यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ टैग नेम, टैग नेम कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा टैग नेम हो गया. ओके, अभी ये क्लोज कर रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, टैग डैश नेम और उसके आगे क्या रहना चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश. ये फॉरवर्ड स्लैश रहना जरूरी है. ओके, और यहां पर मेन कंटेंट क्या आता है, यहां पर आता है फॉरवर्ड स्लैश इन एंगुलर ब्रैकेट. सही तरीके से नोट करके रखना है इसको कि ओपनिंग कैसे होती है, इसका फॉर्मेट ये है, और क्लोजिंग कैसे होती है, वो फॉर्मेट ये है. आपको सिंपली क्या करना है, टैग नेम जैसे ओपन कर रहे हो उसी तरीके से क्लोज भी होगा, बट आपको ये फॉरवर्ड स्लैश कैसे रखना है ये आपको ध्यान रखना है. तो फॉरवर्ड स्लैश हमेशा ही अपने नाम के आगे, मीन्स जो भी टैग है उसके नेम के आगे लगा देना है, वो क्लोज हो जाएगा. इस HTML के अंदर दो तरीके के टैग्स होते हैं. पहला होता है कंटेनर, जैसे ये है, इसके अंदर क्या होगा, जो भी आप कंटेंट दोगे HTML के अंदर वो सारी चीजें आएंगी. बट
कुछ चीजें HTML में ऐसी होती हैं जो एक जगह ओपन होती हैं बट क्लोज नहीं होती हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे आप देख लो इसको, ये एंगुलर ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर मैं लिखूंगा br, ये होता है ब्रेक रूल के लिए HTML में। ओके, इसको हम आगे देखेंगे बट देन ऑल्सो। तो ये हमारा br टैग है, br टैग को आपने ओपन किया बट इसको क्लोज नहीं किया जाता है HTML में। ओके, ये हमारा ब्रेक रूल के लिए रहता है, एक लाइन में जो भी आप लिख रहे हो उसको नेक्स्ट लाइन उसके बाद अगर आप इसको लगा दे रहे हो तो जो भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसको क्या करता है, एक साथ ले लेता है पूरा, ये एक लाइन में देगा वो अगर मैं लिख दूं उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है इसके यूज से, कि हमारा जो ब्राउजर है उसको नेक्स्ट लाइन में कर देता है, ये एक लाइन रहेगा उसके बाद ये दूसरी लाइन में आएगा, ऐसा कर देता है। सो इसके लिए होता है br टैग, ये हमेशा ही ओपन होता है, इसको क्या कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है क्या चीज, तो ये मैं लिखता हूँ एम्प्टी एलिमेंट। ओके, एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो भी ओपन हो रहे हों बट क्लोज ना हो रहे हों। उसके बाद ये क्या है, तो ये पूरा मिला के हमारा क्या बनता है, कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो कंटेनर एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि एक जगह ओपन हों बट दूसरी जगह क्लोज हो रहे हों, जैसे कंटेनर एलिमेंट्स, कंटेनर एलिमेंट, और ये हो गया हमारा एम्प्टी एलिमेंट। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये कंटेनर एलिमेंट क्यों कह रहे हैं हम, कंटेनर जैसे होता है एक नॉर्मल, तो उसके अंदर आप कंटेंट्स को यानी कि अपने सामानों को रखते हो, उसके बाद क्या करते हो उसको ओपन कर सकते हो क्लोज कर सकते हो, उस तरीके से रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे टैग्स हैं, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा इसके अंदर आने वाला है, ठीक है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ इसके अंदर ही आएगा, तो ये कंटेनर कहलाता है। और ये जो हमारे टैग्स होते हैं br टैग या फिर कोई hr टैग हो गया इस टाइप के, तो ये हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर आप कोई भी क्लोजिंग नहीं करते हो। ओके, लेकिन इसके साथ एक और चीज भी आती है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के अंदर, एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं पहले बताता हूँ एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, उसके बाद इनके अंदर बताता हूँ कंटेनर और एम्प्टी से क्या मतलब है इनका। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं, तो एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन सी चीज आती है, इसको लिखने का फॉर्मेट सबसे पहले देखो आप। एट्रीब्यूट्स तो बेसिकली ये होते हैं, जो भी हमारे ये टैग्स दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर कुछ कंटेंट हमें देना है तो वो हम नॉर्मली इसके बीच में लिखेंगे, बट अगर मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ा स्टाइलिंग ऐड करना या फिर ब्राउजर को बताना कि क्या होता है क्या नहीं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देते हो। कैसे, तो आप सिंपली अपने एंगुलर ब्रैकेट को लाओ और उसका फॉर्मेट लिख लो, सिंपली आप इसको नोट करते जाओ साथ साथ। तो टैग नेम, यहाँ पर टैग का नाम आता है, टैग नेम क्या हो गया, जैसे HTML लिख दिया मैंने उस तरीके से। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट देना चाहूंगा, तो आप लिखोगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, और उसका एट्रीब्यूट क्या रहना चाहिए, नेम इज इक्वल टू, आपका रहना चाहिए यहाँ पर डबल कोट्स, इसके अंदर आएगा एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट, और उसका एट्रीब्यूट का क्या रहना चाहिए, वैल्यू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, टैग नेम आएगा सबसे पहले, टैग नेम यानी कि जो भी हमारा मेन ये है, हमारा टैग कहलाता है, टैग का नेम है ये। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है वही चीज है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम होता है, वो आता है, उसके बाद एट्रीब्यूट के नेम के बाद इज इक्वल टू का साइन आता है, ताकि उस एट्रीब्यूट के नेम को कुछ वैल्यू या फिर कंटेंट दिया जा सके। उसको कैसे देते हैं, तो ये हमारे डबल कोट्स हैं, सिंगल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी जाती है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट, आपका कंटेंट आता है यानी कि जो भी आप कुछ देना चाह रहे हो इसके अंदर, जैसे मैं HTML को ले लूँ, तो HTML के अंदर आता है एक LANG, लैंग, लैंग का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज पूरा नहीं लिखते हैं, लैंग लिखते हैं, और उसके अंदर आप बताते हो ब्राउजर को कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, आपका पूरा कंटेंट किस लैंग्वेज में है वो बताते हो, तो वो हमारा क्या हुआ, एट्रीब्यूट। ओके, ये एट्रीब्यूट हो जाएगा, और जैसे मैं लिख के ही बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखो लैंग लिखा मैंने इज इक्वल टू, और इसमें डबल कोट्स ऐसे दिया मैंने, और इसके अंदर लिख दिया EN। अब क्या हुआ, हमारे ब्राउजर पे जब इसको रन किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, वो ये देखेगा कि सबसे पहले तो ये HTML डॉक्यूमेंट है और ये कौन सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश, EN को इंग्लिश बोलते हैं इस तरीके से, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ये लैंग्वेज समझाने के लिए हो गया। अब आप देखो तो यहाँ पर ये क्या है हमारा टैग नेम, ये क्या है हमारा, ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है, ये इज इक्वल टू साइन, ताकि इसको मैं बता सकूँ लैंग्वेज के फॉर्मेट में सेव कर सकूँ कि EN है, इंग्लिश है। ओके, ये बताने के लिए, तो ये डबल कोट्स का यूज करते हैं हम, एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, EN, ओके, इंग्लिश, तो इसको मैंने किस में रखा है, ये डबल कोट्स में रखा है। सो ये हमारा टैग नेम देने का, हमने टैग नेम के अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखते हैं वो देने का है। उसके बाद इसके अंदर कंटेंट आता है हमारा, उस कंटेंट को नॉर्मली मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हो आप, इसको सिंपली जाके क्लोज कर देते हो टैग नेम। अब आप एक चीज देखो कि इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ,
ये हमने क्या किया है, यहाँ पर HTML को ओपन किया, इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया, बट यहाँ पर इसको क्लोज करते समय एट्रीब्यूट नहीं दिया। ये आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम स्टार्टिंग में दे रहे हो, यानी कि ओपनिंग के समय पे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहे हो, और लास्ट में भी बंद करते समय भी एट्रीब्यूट का डिफाइन कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली बस एक जगह पे उसको डिफाइन करना होता है। ओके, पूरी तरह से सिर्फ इतना ही करना है आपको, और ये हमारा सिंपल बहुत बेसिक है और बहुत आसान है। इसको आप एट्रीब्यूट के साथ एक और चीज आप समझ लो, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बेसिकली जब भी आप एट्रीब्यूट्स को यूज करोगे हमेशा यही फॉर्मेट होता है, और इसको हमेशा ही यूज करने के लिए किसके साथ किया जाता है, जो हमारे कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ किया जाता है। ओके, कभी भी आप इनके साथ यूज नहीं करते हो, ठीक है? तो ये हमारा मेन कंटेंट है कि जब भी हम यूज करना चाहेंगे तो किसके साथ करेंगे, ये हमारे HTML या फिर जो भी हमारे जो भी टैग्स ओपन हो रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं, यानी कि कंटेनर एलिमेंट्स जो भी हैं उनके साथ आप हमेशा ही एट्रीब्यूट्स का यूज करते हो। बट अगर आपके पास एम्प्टी एलिमेंट है तो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते ही नहीं है, तो आप यूज कैसे करोगे? तो ये हमारा मेन चीज है कि हमारे जो भी कंटेनर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज करना है, और जिसके अंदर नहीं है मीन्स एम्प्टी एलिमेंट्स हैं जो, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं करना है। सो ये था हमारा सबसे बेसिक, जिसके अंदर हमने HTML का बेसिक फॉर्मेट देख लिया कि कैसे HTML के कंटेंट्स को ओपन करते हैं, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कैसी करी जाती है, इसमें एम्प्टी और कंटेनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं और एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमारा ब्राउजर है वो कैसे हमारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है। तो जैसे मैं सिंपली इसी को खोल लेता हूँ, ये हमारे जो भी कंटेंट है इसी तरीके से आ जाएगा, वो बॉडी के अंदर ले लेगा। बट देन ऑल्सो, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा फाइल खुला tutorial.html। ये क्यों लिखा हुआ है, अभी हमने इसका कोई टाइटल सेट नहीं किया है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट हमारे फाइल का ही नाम यहाँ पर रख देता है, और ये हमारी फाइल की लोकेशन आ रही है यहाँ पर जो भी कुछ है। तो मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये हमारी फाइल की लोकेशन आ रही है, ये हमारा पूरा ब्लैंक पेज आ रहा है व्हाइट कलर का। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, ब्राउजर के अंदर भी आप HTML को कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसा हमने इसको सेव कर रखा है जिस तरीके से, उसी तरीके से वो भी होता है। जैसे मैं इसको सिंपली सेव करके क्लोज कर रहा हूँ, तो ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे आप देखो ये हमारा कंटेंट, अगर देखना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन से HTML के फाइल्स हैं, या फिर कौन सा जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, कौन सा हमारा स्टाइलिंग कौन सी दी हुई है, अगर ये जानना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे, इसी स्क्रीन पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आएगा इंस्पेक्ट यहाँ पे, और उसके बाद नीचे की तरफ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट आई, आप इन तीनों को एक साथ प्रेस कर दो, या फिर सिंपली अपने कीबोर्ड पर जाओ F12 प्रेस करो, आपका F12 की वजह से ये कुछ खुलेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन कंटेंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्राउजर के अंदर कौन सा HTML है, कौन सा हमारा जावास्क्रिप्ट है, कौन सा चीज क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो आप, यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, ये हेड है, और उसके बाद बॉडी, उसके बाद HTML, ये हमारा बेसिकली प्री डिफाइंड रहता है। अगर हमारे कंटेंट यानी कि पूरा पूरा हमारा जो भी फाइल है HTML का, अगर उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर इसको सेट कर लेता है, प्री डिफाइंड रहता है इसके अंदर, दैट्स वाई। तो इसी चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इसमें होते क्या है, कौन सी चीज का क्या काम होता है। नेक्स्ट चीज है, ये तो एलिमेंट्स के अंदर आपको HTML मिलता है, नेक्स्ट है कॉन्सोल, कॉन्सोल के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट मिलता है, और जो हम इन फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैं थोड़ा ये करता हूँ इसको ऊपर, अभी आप देखो यहाँ पर ये हमारे स्टाइलिंग के लिए होता है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टाइल लिखा हुआ है, ये हमारे जो भी हम CSS अप्लाई करते हैं वो यहाँ आता है। ओके, तो हमारे ब्राउजर के अंदर अगर आप कोई भी HTML का कंटेंट लिखते हो और ब्राउजर के अंदर उसको देखना चाहते हो कैसे कौन सी चीज रन कर रही है, कौन सी चीज क्या काम कर रही है, उसको भी देख सकते हो। जैसे हेड पे जाओ आप, तो हेड यहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ नहीं दिखा रहा। ओके, बॉडी पे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे कलर्स आ गए, ये क्यों आया, तो बॉडी को बताने के लिए। और नीचे की तरफ अगर आप स्टार्ट मेन्यू के ऊपर देखो तो बॉडी भी लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो वहां पर भी आ रहा है, और ये बता रहे कितना साइज है अभी हमारे ब्राउजर का। ये हमारा जो टाइटल या फिर जो भी कंटेंट आता है वो हेड के अंदर रहता है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमारे कंटेंट्स को हम शो कर सकते हैं। सो टिल देन, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।